बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय लाउंज। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो मौजू बहुत अहम है और ये इतना अहम है कि शायद हमारी पूरी जिंदगी इसके गिर्द घूमती है, मगर अफसोस की बात यह है कि इस अहम मौजू को हमने आज तक डिस्कस नहीं किया। मौजू है स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस जो है ये हर एक शख्स की जिंदगी में है, और जब तक जिंदा हैं हम स्ट्रेस से जान नहीं छुड़ा सकते। हम ये समझते थे कुछ सालों पहले कि शायद स्ट्रेस उन लोगों को ज्यादा होता है जो बड़े बड़े कारोबार चलाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस में हैं, डिसीशन मेकिंग पोजीशंस के ऊपर हैं, मगर अब पता चला कि एक स्कूल जाने वाले बच्चे से लेकर घर के अंदर एक खातून खाना, एक बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव या एक मल्टीनेशनल का मैनेजिंग डायरेक्टर, सबकी जिंदगी में स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस है क्या? आज के दौर में ये कहा जाता है कि स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर, ये खामोश कातिल है। आपको नहीं पता चलता कि स्ट्रेस किस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी को कम करता है, और आमतौर पर स्ट्रेस के बारे में लोग जानते ही नहीं है। आज मैं स्ट्रेस के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा, किस किस्म के स्ट्रेस होते हैं, कितने टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। आप सोचें, एक बच्चा जो स्कूल का बस्ता लेकर सुबह घर से निकलता है, सबसे पहले स्ट्रेस सुबह उठने का, फिर बस में या वैन में बैठने का, फिर वो 10 किलो का बैग जिसमें ना जाने कितनी किताबें हैं उसको उठाता है, उसका स्ट्रेस, क्लासरूम के अंदर पढ़ाई का स्ट्रेस, इम्तिहान का स्ट्रेस, कॉम्पिटिशन का स्ट्रेस, पास होने का स्ट्रेस, फिर आगे बढ़ने के बाद करियर चूज करने का स्ट्रेस, जॉब मिल गया तो जॉब का स्ट्रेस। कौन सा ऐसा फैक्टर है हमारी जिंदगी में या हमारे माशरे में कौन सा ऐसा रोल है कि जिसमें स्ट्रेस नहीं है? एक खातून को घर के अंदर स्ट्रेस, सास है तो बहू का स्ट्रेस, बहू है तो सास का स्ट्रेस, माँ को बच्चों को पालना, शौहर के साथ ताल्लुकात, तो रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेस होता है। ऑफिस के अंदर अगर आप जॉब करते हैं तो आपको डेडलाइंस मिलती है, टारगेट्स आपने अचीव करने हैं, उनका सबसे बड़ा स्ट्रेस। तो कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप स्ट्रेस से बच सके। तो स्ट्रेस निकालना जिंदगी से नामुमकिन है। हां, जो कमाल है वो ये है कि आप इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं। स्ट्रेस नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो नेगेटिव स्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मेरा अपना जाती जो तजुर्बा है या मेरी पर्सनल जो मेरी फीलिंग्स है वो ये है कि स्ट्रेस बहुत बड़ी कुव्वत है। अगर आप इसे मैनेज कर लें और उसे इस्तेमाल कर लें तो जो भी जिंदगी में आपके गोल हैं, आप ही का स्ट्रेस आपके गोल को हासिल करने में बहुत बड़ी मदद करेगा आपकी। स्ट्रेस के अंदर रिसेंट एक सर्वे हुआ है, इंग्लैंड के अंदर हुआ है, तो पता चला कि 4 मिलियन न्यू प्रिस्क्रिप्शंस आर रिटन एवरी नाइट फॉर एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन, स्लीपिंग पिल्स। यानी इतना स्ट्रेस है मगरिब की दुनिया में लोगों को कि लाखों नए प्रिस्क्रिप्शन रोज रात लिखे जाते हैं दवाइयों के, ताकि लोग रिलैक्स हो सकें, बेचैनी कम हो सके, नींद अच्छी आ सके। हम स्ट्रेस को इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिवली, ये मैं आपको सिखाऊंगा। आज के दिन हम आपकी कॉल भी लेंगे, हमें जरूर बताएं कि आपकी लाइफ में किस किस्म का स्ट्रेस है और ये स्ट्रेस आपको किस तरह महदूद करता है। एक अंदाजे के मुताबिक 90% यानी 90% से ज्यादा आजकल जो बीमारियां हैं उसका ताल्लुक स्ट्रेस है, यानी इसको साइकोसोमेटिक इलनेसेस कहते हैं। इंसानी रवैया, इंसानी सोच, स्ट्रेस का उसकी जिंदगी पे असर से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। स्ट्रेस पे हम बात करेंगे, मेहरबानी करके कागज पेंसिल साथ रखिएगा जरूर, और थर्सडे को तो मैं बहुत सारी आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, इसको इस्तेमाल कैसे करें और जिंदगी में कामयाबियां कैसे हासिल करें। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, बहुत जल्द वापिस आएंगे, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। आई होप ये जो वक्फा होता है उसमें आपको स्ट्रेस ना हो। कोशिश करें कि स्ट्रेस आपकी जिंदगी से कम हो। उरूज के बारे में अक्सर मशहूर है कि यह स्ट्रेस देती बहुत है लोगों को, और इस वजह से उरूज ये बात जो है ना, ये बोल के इनको सच कह रहे हो कि जब मैं आपके बीच में बोलती हूँ तो सारे जो देखने वाले बड़े स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, और स्ट्रेस अंडर स्ट्रेस आने के बाद वो उनका बस नहीं चलता कि मैं उनको कहीं मिल जाऊं, कि मिलने के बाद वो मुझे पकड़े और अपना सारा स्ट्रेस मुझे उतार दें। तो नाजीन मैं क्या करूं, मेरे पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उनको कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ता है, कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है, सो दैट एड्स भी आती रहे, आपकी कॉल्स भी मिलती रहे। उसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर ऑल ऑफ द फीडबैक दैट दे हैव गिवन टू अस। जो आपने स्टूडेंट स्मार्ट स्टडीज के बारे में अपना दिया था फीडबैक, दैट वॉज रियली 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 नाइस, एंड आई एम सो ग्लैड कि हमारे स्टूडेंट्स जो है, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी सारी माएं देख रही होंगी, सारे घर में बैठे वालिद देख रहे होंगे जो बड़े स्ट्रिक्ट होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे स्टूडेंट्स इसको देख रहे थे एंड दे वर फॉलोइंग इट। सो हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच बाबा कि आपने इतना सब कुछ सिखाया, एंड आई एम श्योर जो कुछ हमने थोड़ा बहुत सीखा है तो लोग भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे सीखने के बाद। हमारी हेल्थ टीवी की जो टीम है ना, और उसमें सीनियर प्रोड्यूसर, नहीं सीनियर प्रोड्यूसर साहब आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि पूरी टीम का बड़ा शुक्रिया कि आपने, और इनफैक्ट हेड ऑफ प्रोग्रामिंग, हेड ऑफ प्रोग्रामिंग सबका शुक्रिया। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे हेल्थ टीवी की लगी कि काफी सारी जगहों पर आपने देखा है कि प्राइज बोले जाते हैं मिलते नहीं, बट हेल्थ टीवी के बाद हमने देखा कि दो लोग जिन्होंने वाउचर जीते थे देवर लाइव इन दी वर्कशॉप, एंड हेल्थ टीवी मेड श्योर कि उनको उनके वाउचर्स उनके घर तक मिले, सो दैट दे कुड कम एंड ज्वाइन द वर्कशॉप। सो थैंक यू सो मच हेल्थ टीवी फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस प्लेटफॉर्म सो दैट वी कुड हेल्प पीपल। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा, अब आप बताएं, बहुत बहुत शुक्रिया कर दिया सारे हेल्थ टीवी का स्ट्रेस दूर कर दिया। हाँ, अब मैंने स्ट्रेस पे चंद बातें बतानी है, और बड़ा जरूरी है कि स्ट्रेस है क्या ये। अच्छा, पहले तो आप स्ट्रेस डिफाइन कर रहे हैं ना अभी, बस देखो स्ट्रेस जो था वो बेसिकली 17th सेंचुरी में एक ब्रिटिशर ने सबसे पहले ये टर्म यूज किया, और स्ट्रेस एक इंजीनियरिंग टर्म है, इंजीनियरिंग में यूज होता है, ठीक है ना। टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेंथ आप चेक करते हैं किसी चीज की, कोई कितना स्ट्रेस बर्दाश्त करता है कोई मेटल, तो उस हवाले से स्पेसिफिकेशन अच्छा, में आता किसी मैकेनिज्म में कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, तो इट्स एन इंजीनियरिंग टर्म, ठीक है। लोग ये समझते थे कि स्ट्रेस जो है वो आज के दौर के इंसान की जिंदगी से ताल्लुक है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, भागा दौड़ी का आलम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इंसान रिश्तों में पुख्तगी नहीं रही, इंसान सेल्फिश बहुत हो गया है। मगर तहकीक ये कहती है कि स्ट्रेस उस वक्त भी मौजूद था जब इंसान गारों में रहता था। अच्छा, उस नेचर, यस, नेचर ऑफ स्ट्रेस डिफरेंट था। फॉर एग्जाम्पल, जब इंसान गार में रहता था तो उसको जो स्ट्रेस जिन वजूहात की वजह से था, उसमें एक खुराक की तलाश, अपने कबीले को बचाना दूसरे कबीलों से, यानी जाहिर है एक दूसरे को कबीले हमले करते थे, सर्वाइवल स्ट्रेस था, प्लस जंगली जानवरों से बचाना, ठीक है, प्लस एक्सट्रीम क्लाइमेट मौसम, आज गर्मी होती है आप एसी चला देते हैं, ठंड होती है आप गीजर चला हीटर चला लेते हैं, उस जमाने में तो नहीं था, तो उस जमाने में स्ट्रेस इन चीजों की वजह से था, तो स्ट्रेस उस दौर से चला आ रहा है। सही ना, स्ट्रेस उस दौर से पहले एक दौर कॉल दौराना है तो उसको हम पहले लेते। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम मैडम, हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई, ठीक है। अब मैं डिफाइन कर दूं तो स्ट्रेस बेसिकली इज ए रिएक्शन, पहले समझ ले, इज अ रिएक्शन टू एनी सिचुएशन, रियल और अनरियल, रियल सिचुएशन भी हो सकती है, अनरियल भी हो अच्छा, सकती है। अनरियल से आपका मतलब वो जो सिचुएशन हम खुद अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, परसीव करते हैं एज अ थ्रेट, थ्रेट, ओके। सो एक रिएक्शन किसी ऐसी सिचुएशन का जो रियल या अनरियल हो, जिसको हम अपनी साइकोलॉजिकल और फिजिकल वेलबींग के लिए थ्रेट समझें, ठीक। मिसाल के तौर पर एक शख्स गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते चलाते एकदम से एक बच्चा सामने आ गया रोड पर, और उसने पूरी ताकत से ब्रेक अप्लाई किया, दैट्स शॉकिंग स्ट्रेस, यस, ओके, दैट आल्सो कॉजेज स्ट्रेस उस वक्त, उस वक्त। अच्छा, उस वक्त यानी कि कोई अचानक से कोई इंसिडेंट हो जाए, इंसिडेंट हो जाए। अच्छा, हमारे साथ मैडम है वापस से, अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। कही है मुझे स्ट्रेस के बारे में, मुझे वो एक्सप्रेस करने नहीं आ रही है कोई बात, लेकिन ये पूछना चाह रही थी कि मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। अच्छा, लेकिन मेरी और मेरे हस्बैंड की जो रिलेशनशिप है ना,
वो बज़ाहिर तो बहुत अच्छी है कि लोग समझते हैं कि शायद ये बहुत खुश है कुछ है, लेकिन अब 3-4 साल से ये हुआ कि मेरे हस्बैंड ने जो है सेकंड मैरिज कर ली और हम लोगों से छुपाया हुआ है। अच्छा, उनकी नजर में आपको नहीं पता? पता चला जब बाद में, तो जाहिर है बच्चों का जो रिएक्शन वगैरह सामने आया तो उन्होंने बच्चों से ये कहा, मतलब कहा कि जी मैं उसको छोड़ रहा हूँ और मैंने उसको तलाक दे दी है, सब कुछ ये सारा कुछ हुआ। लेकिन जो है वो अभी तक मिलते हैं पूरा दिन, वो सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे घर आते हैं। ठीक। अब मुझे इतना स्ट्रेस है कि ना ये बात मैं किसी से कह सकती हूँ क्योंकि कोई नहीं मिलता, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड ने अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सबको छोड़ दिया है ना। ठीक। वो वैसे हमारा ख्याल रखते हैं, चीजें पूरी प्रोवाइड करते हैं हमें, लेकिन टाइम नहीं दे पा रहे ना। और अब क्या किस आगे क्या फ्यूचर होगा बच्चों का मेरा, मैं बहुत ज्यादा मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर हम ऑन स्क्रीन देते हैं, ऑन लाइव देते हैं, ऑन एयर देते हैं। इसके अलावा आपने कॉल की है एंड आई कैन फील एंड आई कैन अंडरस्टैंड। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय वारिद टेलीकॉम। वाकई कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं। नेम और कॉन्टेक्ट नंबर हमारे कंट्रोल रूम में होगा, वो हम आपको दे रहे हैं, तो आप प्लीज उस सीडी को सुनिएगा, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करिएगा, बाकी हम आपको और एडवाइसेस देते रहेंगे साथ साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। नाउ हाँ जी, बेसिकली शी इज एक्सपीरियंसिंग व्हाट इज कॉल्ड इमोशनल स्ट्रेस। ओके, शी इज, अच्छा, देयर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। देयर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, पहले तो हम स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रेस इज एनी सिचुएशन विच इज कंसिडर्ड एज अ थ्रेट बाय योर माइंड एंड इट इज, हो सकता है नकली हो असली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट कैन बी अनरियल। और जो रिस्पॉन्स होता है टू दैट सिचुएशन, नॉर्मली साइकोलॉजी कहती है 2 रिस्पॉन्स होता है, माइंड साइंसेस कहती है 3 रिस्पॉन्स होते हैं। ओके, मेडिकल साइंस या साइकोलॉजी कहती है इट्स फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी लड़ो फ्लाइट और फ्लाइट या भाग जाओ। ठीक है, माइंड साइंसेस कहते हैं 3 रिस्पॉन्स होते हैं, फाइट फ्लाइट या फ्राइट। ओके, व्हाट्स फ्राइट? नो, फ्राइट इज अनेबल टू डू एनीथिंग, सत्य में आ जाना, सत्य में आ जाना, 3 रिस्पॉन्स। नाउ अब इंटरनल जो सिचुएशन ही होती है कि एड्रेनलिन पंप होती है आपके ब्लड में, जिसकी वजह से मसल्स में ताकत आ जाती है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ जाता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, वगैरह वगैरह सब कुछ हो जाता है, एंड यू आर रेडी टू आइदर फाइट और भागते हैं, दोनों चीजों के लिए ताकत चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब फ्राइट सिचुएशन भी एक ऐसी होती है कि बाज दफा आप एकदम बुद्ध बन जाते हैं, यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट थिंक, एकदम समझ नहीं आती क्या करें, दैट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स दैट कम्स थ्रू स्ट्रेस। तो ये माइंड से इस बात को मानता है। बट यू थिंक साइकोलॉजी में 2 बेसिकली रिस्पॉन्स, लेकिन वहां पे दे हैव 2 स्कूल ऑफ थॉट्स वेयर इट कम्स टू स्ट्रेस। स्ट्रेस में फ्लाइट और फाइट का रिस्पॉन्स, ठीक है, हम कहते हैं फ्लाइट फ्राइट और फ्राइट, 3 रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये एक हमें बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात डॉक्टर मोइज ने बताई है कि एक और रिस्पॉन्स भी होता है, दैट्स कॉल्ड द फ्लाइट रिस्पॉन्स। और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर है, मिसेस शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल, मैं तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे, मैं आपका प्रोग्राम काफी दिनों से देख रही थी। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जी बहुत अच्छा, मुझे तो ये पता करना था कि जो है मेरा बेटा बहुत शाइस्ता है, तो उसको लिए मुझे आपके जो है वाउचर का, या इसके अलावा अगर वर्कशॉप वाउचर अगर नहीं भी मैं वो ले सकती तो मुझे एटलीस्ट जो है मुझे आपकी वर्कशॉप वगैरह पता होता कि आप छुट्टी। अच्छा, आप कौन से शहर से? मैं कराची से बात करूं। आप कराची से बात करें, तो एक काम करेगा, प्रोग्राम के एंड में हमारा नंबर चलेगा, उस नंबर पे कॉल करके यू कैन जस्ट आस्क फॉर द इन्फॉर्मेशन कि कहाँ वर्कशॉप्स हो रही हैं, कब कब होती हैं, तो यू कैन जस्ट कॉल इन एंड आप उनका डॉक्टर मोइज़ का अपॉइंटमेंट चाहे तो आप वो भी ले सकती हैं। इसके अलावा आपकी कॉल के लिए हमारे पास एक गिफ्ट है आपके लिए, दैट इज अ स्ट्रेस पावर की सीडी जो हम आपको दे रहे हैं। आई होप वो स्ट्रेस पावर की सीडी आपको और आपके घर वालों को हेल्प करे। बाकी नंबर चलेगा आप उस पर। एक बात, इनके बेटा शाही है ना, इसको स्ट्रेस पावर नहीं देते, इसको लिविंग पावरफुली दे दो। चले हम अपने थोड़े से गिफ्ट्स के अंदर थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम आपको स्ट्रेस पावर की जगह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की सीडी दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिविंग पावरफुली। तो हम आपको वो वाली सीडी देंगे, एंड आई होप आपने बच्चे को सीडी सुनाए, रोज सुबह सुनानी है, एंड आई होप उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, और एल्स यू कैन जस्ट कॉल इन एंड मीट हिम। ठीक है जी, अब हम आते हैं आगे, क्योंकि ये कॉल्स की वजह से मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा, और हाँ लोग समझते मैं रोकते चले। ठीक है, मैं तो बोलती ज्यादा हूँ, एनीवे ये आपने सही नहीं किया मेरे साथ।